दुर्ग पुलिस ने किन्नर की भेष में घूमकर लोगों से पैसा वसूलने वाली 5 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। वे पिछले कुछ महीनों से घर में जाकर लोगों से पैसे वसूल रही थी। किन्नर समुदाय के लोगों ने महिला आयोग के अध्यक्ष किरणमयी नायक से इसकी शिकायत कर कार्रवाई की मांग की थी। किन्नर समाज अध्यक्ष जयाबाई ने कहा कि नकली किन्नर बनकर महिलाएं उनकी कौम को बदनाम कर रही थी, इसलिए वे लोग राज्य महिला आयोग की जनसुनवाई में गई थी। महिलाओं को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। लोगों के पैसे की उगाही करते थे, आज उन्हीं किन्नरों ने पकड़कर पुलिस के पास लाए हैं, जिससे 5 किन्नरों को गिरफ्तार किया गया है और उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। नकली किन्नर बन के करते थे, जैसे उन लोग सीखे हुए हैं कि आम लोगों से पैसा मांगना, ताली बजाना और रकम वसूली करना, मांग करना, ऐसा करते थे। उसी के आधार पर आज 5 किन्नरों को गिरफ्तार किया गया है, उनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है।